कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की 45 से 50 सीटें जीतने का दावा किया है। कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस बार सरकार के खिलाफ रिकॉर्ड मतदान हुआ है। बीजेपी की सरकार में लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ बाहर आकर रिकॉर्ड मतदान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 15 से 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। कौल सिंह ने शिमला में कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती है, पार्टी के अध्यक्ष व मंत्री के पदों पर भी रहे हैं। एक बार के विधायक भी मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। कांग्रेस बहुमत में आने के बाद एक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री बनता है। सोनिया गांधी जो भी निर्णय करेगी वे स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में तानाशाही है। उत्तराखंड में हारे हुए को सीएम बनाया गया। प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया है। 5 साल के कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान हुआ है। ऐसा है, अब की बार जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, ये एंटी इनकम्बेंसी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट जो है, ये मतदान हुआ है। क्योंकि हमने भी कई इलेक्शन लड़े, मैंने 8 इलेक्शन जीते, तो उसमें से इतना रिस्पांस जो अब की बार लोगों से मिला, इतना प्यार, इतना सहयोग, ये आज तक कभी इतना नहीं मिला था। और हम भी पूरे हिमाचल प्रदेश का मैंने पहले दौरा किया था, तो लोगों, जोशी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन लोगों की नब्ज पे हाथ जरूर रखते हैं। अब के बार लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है और हिमाचल प्रदेश में विकास के काम आगे बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कुशासन से, इनकी बढ़ती हुई महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, बलात्कार के केस हिमाचल में बढ़े हैं, खून डाके के केस बढ़े हैं, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी दुखी थी। और सबसे बड़ी विकास के काम ठप पड़े थे, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही विकास के काम हो रहे थे, बाकी विकास के काम ठप थे। तो सरकार के खिलाफ, जयराम सरकार के खिलाफ जो है, लोगों ने खुल करके मतदान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में 45 और 50 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी 15 और 20 सीटों के बीच में सिमट के रह जाएगी। हाँ, ये तो ठीक है, वरिष्ठ मैं हूँ, 8 बार विधायक बना हूँ, 4 बार मंत्री रहा हूँ, 2 बार सोनिया गांधी की कृपा से अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री कभी डिक्लेयर नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी जब 40-45 विधायक चुन करके आएंगे, कांग्रेस पार्टी के 2 ऑब्जर्वर आएंगे, वो लोगों की राय लेंगे, विधायकों की राय लेंगे, उस राय को जो है पार्टी हाईकमांड को कन्वे करेंगे, फिर पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ये जो है हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है। जैसे आप जाते हैं उत्तराखंड में, धामी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया कि ये ही अगला मुख्यमंत्री होगा, हार गया, 7-7 बार के विधायक उनको नहीं बनाया, न विधायकों की राय ली, फिर उसी को मुख्यमंत्री बना दिया, धामी को। इस तरह गुजरात में प्रधानमंत्री के अपने गृह प्रदेश में रूपानी जी प्रधान मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बनाया था नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने कहा कि इस्तीफा दो, सारा मंत्रिमंडल बाहर हो गया और नए मुख्यमंत्री और नए मंत्री बने। तो ये है तानाशाही और लोकतंत्र में फर्क। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री के दौर में जो पहली बार विधायक बनता है वो भी होता है, दूसरी बार बनते वो भी होते हैं। मैं तो अब 9वीं बार विधानसभा में आऊँगा, तो पर मेरा हाईकमांड पर पूरा विश्वास है, और जो कांग्रेस हाईकमांड श्रीमती सोनिया गांधी फैसला करेगी वो हमको सर माथे मंजूर है।